हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुमित अरोड़ा एग्जामपुर फैमिली पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज से हमने एक नई सीरीज भी चालू की है ताकि आप उन करंट अफेयर के साथ बहुत अच्छे से परिचित रहें जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी होंगे। आशा करता हूं ये सीरीज आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि यहां पर बहुत सारे स्टैटिक और करंट अफेयर को जोड़ करके मैं आपके लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण इश्यूज को लेकर के आऊंगा। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर से आप सभी छोटे भाई बहनों, बड़े भाई बहनों, देवियों और सज्जनों के लिए प्रार्थना, आप हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव मार्ग पर चलें और वन एंड ओनली जल्द से जल्द सफलता को प्राप्त करें। फिलहाल ये हमारे पीछे आपके सामने पूरा प्रोग्राम रखा हुआ है और इसी के अकॉर्डिंग आप भी अपनी स्टडी को जरूर एडजस्ट कीजिए, जहां सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक आपकी गहन स्टडी को फोकस किया जाता है। 3 महीने बाकी रह गए हैं, इन 3 महीने में पूरी 3 साल की मेहनत कर डालिए ताकि पूरी तरीके से पेपर आपके जोन में हो। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग कि कौन सा बहुत महत्वपूर्ण न्यूज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। याद रखिए इकोनॉमिक से न्यूज है लेकिन है बहुत मजेदार और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक एक कतरा कतरा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आज इस न्यूज को देखते हुए। तो देखते हैं क्या है आज की न्यूज। आपके सामने लिखी हुई है बिजनेस स्टैंडर्ड की एक न्यूज। देखिए ये साल भर से पूरी डेवलप हो रही है, इसकी ये न्यूज आज की आपको दिख रही है और ये न्यूज जो है आपको बहुत पहले की भी न्यूज दिख रही होगी नवंबर के आसपास की। तो लगातार ये मैं देख रहा था कि लगातार ये न्यूज डेवलप हो रही है, तो क्यों ना इसके ऊपर आपको पूरा एक सेशन लेकर के बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया जाए। लिखा हुआ है नो के शेप्ड रिकवरी इन इंडिया। व्हाट इज के शेप्ड रिकवरी, ये चीज थोड़ा सा हमको जाननी होगी, ये हमको जानना होगा व्हाट इज के शेप्ड रिकवरी क्या है, जिसके लिए एसबीआई ने यह बोला कि भाई हमारे यहां कोई ऐसी के शेप्ड रिकवरी नहीं है। जरा इसको देखें, नो के शेप्ड रिकवरी इन इंडिया पैंडेमिक आर लेवलर टू रिड्यूस इनइक्वालिटी एसबीआई इकोनॉमिक्स। यहां पर फिर से ये देखिए इस तरीके की न्यूज बनी है 9 जनवरी 2023। 2 बार एसबीआई को इस प्रकार का स्टेटमेंट देना पड़ा। तो हमको देखना होगा ये इकोनॉमी में के शेप रिकवरी होती क्या है और हमारे इकोनॉमी से इसका डायरेक्ट रिलेशन कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है किसी भी इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं जिसमें आप विशेष रूप से देखते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर वो होता है जहां पर विशेष रूप से कृषि की बात की जाती है, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाती है। सेकेंडरी वो सेक्टर होता है जहां पर उद्योगों की बात आपसे की जाती है और टर्शरी सेक्टर वो होता है सेवा क्षेत्र। आज जो हमने सेवा क्षेत्र की भी हम बात करेंगे, इसमें सेवा क्षेत्र में भी 2 प्रकार की सेवाओं की बात करेंगे। एक वो सेवा क्षेत्र होता है जो पूरी तरीके से के शेप्ड रिकवरी के द्वारा पैसों को कमाता चला जाता है, मतलब रिचर बिकम रिचर होता चला जाता है। लेकिन एक दूसरी तरफ भी सर्विस सेक्टर वाला होता है जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस प्रकार से के शेप्ड रिकवरी से मारा जाता है वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे यहां पर बात करूं, ये जितनी भी चर्चा आपके साथ हो रही है ये विशेष रूप से कोविड के दौरान जो इकोनॉमी के लॉकडाउन लगे हैं और उसके कारण आज भी जो इकोनॉमी सफर कर रही है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत ही प्यार से इसको समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, पूरे के पूरे स्टैटिक पोर्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। व्हाट इज के शेप्ड, डब्ल्यू शेप्ड, वी शेप्ड, यू शेप्ड, एक बार समझ लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम से डायरेक्टली रिलेटेड होंगे। इसी प्रकार जो सेवा क्षेत्र होता है मेरे दोस्त, सेवा क्षेत्र में भी अगर आप देखेंगे तो एक जैसे हम एडटेक की बात कर लें, एडटेक कंपनियों की बात कर लें, या आईटी सर्विसेज की बात कर लें, या बीपीओ सर्विसेज की बात कर लें, मतलब ये वो सर्विसेज है जिनको आप घर पर भी बैठ करके कंप्यूटर के माध्यम से दे सकते हो। तो इसके लिए जैसे मैं आपको अपनी सेवाएं दे रहा हूं, यदि कोरोना आता भी है तो भी मुझे इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं आपके थ्रू एक कैमरे और अपने डिजिटल बोर्ड के साथ यहां पर खड़ा हुआ हूं। तो मेरी इनकम या मेरे से अगर मैं किसी और को भी जोड़ना चाहूं, जैसे एडटेक वाले हो गए, आप लोग मुझे फीस दोगे मैं आपको पढ़ाना चालू कर दूंगा, तो मेरे हिसाब से क्या होगा, मेरी ग्रोथ नहीं रुकेगी, मेरी ग्रोथ जो है ऊपर चलती जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा सेक्टर भी होता है जैसे टूरिज्म का सेक्टर, जैसे टूरिज्म का सेक्टर आप देखते हैं, जैसे हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर देखते हैं, जैसे आप होटल इंडस्ट्री का सेक्टर देखते हैं,
ये सब जितने सेक्टर होते हैं ये भी एक्चुअल में देते तो सेवा ही है आपको। सर सेवा कैसे देते हैं? अरे भाई तुम यहां से जब घूमने जाओगे तो टूरिस्ट तुमको मिलेगा, वो पूरी अपनी आपको सर्विस देगा और उसी के बिहाव पर आप होटल भी लोगे, होटल में भी रहोगे, होटल में बहुत सारे वर्कर भी काम करते होंगे। लेकिन यदि कोरोना के कारण या किसी भी पैंडेमिक के कारण ये सारा मार्केट बंद होता है तो याद रखिएगा इस पे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ये बल्कि मुनाफे में चला जाएगा। ध्यान में रखिएगा आईटी सेक्टर मुनाफे में चला जाएगा, लेकिन घाटा किसको होगा? ये वाला सेक्टर जो है पूरी तरीके से दबाव में आ जाएगा। इसमें आप इंडस्ट्रियल लेवल पर भी इस चीज को ले सकते हो। जैसे इंडस्ट्रियल लेवल की मैं बात करूं तो कोरोना में सिर्फ अगर हम इस सेक्टर को छोड़ दें, सिर्फ हम इस सेक्टर को छोड़े और सर्विस सेक्टर में भी जो हाईली स्किल्ड सर्विसेज हैं उन सेक्टर को हम छोड़ दें तो सेकेंडरी सेक्टर भी आपका डाउन हो गया और ये वाला इंडस्ट्रियल सेक्टर भी जो है आपका पूरी तरीके से सर्विस सेक्टर का पार्ट डाउन हो गया। इसीलिए के शेप्ड रिकवरी जो है हमारे लिए शब्द चर्चा में आ गया। तो देखते हैं व्हाट इज के शेप्ड रिकवरी और आपको क्या समझ में आता है। मेरे भाई मुझको पहले एक चीज बताओ, के शेप्ड जरा देखे के शेप्ड होता कैसा है। यहां पर आपके सामने लिखा है के शेप्ड, ये एक ग्राफ के माध्यम से हम समझने का अभी प्रयास करेंगे। जैसे मैं आपको के शेप्ड के बारे में पहले बताऊं, देखिए ये एक पूरा ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। जो पहले पिक्चर थी वो के शेप था, इसको भी अगर देखेंगे तो ये कैसा बन रहा है? के शेप्ड बन रहा है। एक्चुअल में जो एडटेक कंपनीज है, जैसे आपने बहुत सारी एडटेक कंपनीज देखी होंगी, सॉफ्टवेयर की कंपनीज, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, वर्क फ्रॉम होम उनको दिया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, टूरिज्म सेक्टर को देखिए, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को देखिए, इवन उनको भी आप बात नहीं करेंगे तो स्मॉल मीडियम सेक्टर को आप देखेंगे और जो उद्योगों के भी सेक्टर को आप देखेंगे, जो आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है पुअर ब्लू कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब में क्या आते हैं, जैसे आपकी हम बात करेंगे विशेष रूप से मजदूर वर्ग, लेबर वर्ग, जो हाथों से काम करना पसंद करते हैं, मैनुअल वर्कर्स होते हैं, ये सब ब्लू कॉलर की जॉब में आती है। यहां पर देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजी एंड लार्ज कैप फर्म्स, मतलब यहां पर आपकी आईटी फर्म्स भी आ जाएंगी, बीपीओ फर्म्स भी आ जाएंगी। तो के शेप्ड में क्या हो रहा है कि एक सेक्टर तो बढ़ता चला जा रहा है लेकिन दूसरा सेक्टर अपने आप कम होता चला जा रहा है। मतलब एक सेक्टर की तो आपको ग्रोथ दिख रही होगी लेकिन दूसरा सेक्टर जो है वो पूरी तरीके से क्या हो रहा है, घटता चला जा रहा है। इसी कारण क्या हो रहा है, एक इकोनॉमिक मिसमैच की कंडीशन आपको दिख रही है। यहां वाले तो अमीर होते चले जा रहे हैं, यहां वाले गरीब होते चले जा रहे हैं। इसीलिए के टाइप जो रिकवरी होती है वो यही चीज आपको दिखाती है कि इसके द्वारा क्या होता है, समाज में इनइक्वालिटी जो होती है वो बढ़ने लगती है। ये इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो समाज में अशांति अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए एसबीआई की जो मैडम कह रही है यहां पर हम लोगों से कि भैया के शेप रिकवरी इन इंडिया, नो के शेप रिकवरी, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे यहां क्या हो रहा है, हमारे यहां मिसमैच हो रहा है या इनइक्वालिटी बढ़ रही है। अगर यहां पर नो ना लगा होता तो फिर सरकार के लिए परेशानी हो जाती है। इनइक्वालिटी इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो भारत को इनइक्वालिटी इंडेक्स में क्या है, हायर लेवल पर रखा गया है। क्यों रखा गया है, आपको समझ में आना चाहिए कि केवल कुछ ही परसेंटेज लोगों के पास 50% से ज्यादा संपत्ति है। तो ये के शेप्ड रिकवरी की ओर आपको इशारा कर रहा है। यहां पर आप समझ गए होंगे यहां पर कौन सी कंपनियां आएंगी, सर्विस सेक्टर में भी वो सेक्टर आएगा जो कि विशेष रूप से टेक्नोलॉजी के हाई स्किल्ड जो होते हैं वो सेक्टर आएगा। वो वाला सेक्टर नहीं आएगा जो कि क्या कहते हैं आपका टूरिज्म का सेक्टर है, ये सब इसके लिए उनको डायरेक्टली क्या कहते हैं इन्वॉल्व होना पड़ता है। इसीलिए आप विशेष रूप से देखेंगे श्रीलंका को तो श्रीलंकन इकोनॉमी तबाह हो गई, किस लिए, क्योंकि उसकी टूरिज्म सेक्टर जो था सबसे इंपॉर्टेंट था। एक तो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और टूरिज्म सेक्टर है, श्रीलंका अपने टूरिज्म पर बहुत ज्यादा रिलाई करता है लेकिन टूरिज्म कोरोना के कारण क्या हुआ, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। तो आपको यह समझ में आना चाहिए भारत में ये वाली रिकवरी को देखा जा रहा है, जिस प्रकार की एग्जांपल दिए जा रहे हैं, लेकिन जो मैडम अभी एसबीआई ने बोला कि के शेप रिकवरी नहीं है। आई होप सो इसको आप समझ गए होंगे, इसको आप इसमें भी देख सकते हो। यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है नीले कलर से, देखिए तो लिखा है रिकवरिंग इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी रिटेल एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज। इसको देखिए नीले कलर वाला तो बढ़ता चला जा रहा है, कब की यह कंडीशन है आपको यहां पर इकोनॉमिक रिसेशन में दिखाया दे रहा है। और यहां पर देखिए क्या है, इंडस्ट्रीज नीडिंग असिस्टेंस, ट्रेवल इंडस्ट्री, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पूरी तरीके से बंद हो गया था, इकोनॉमिक रिसेशन की कंडीशन उस समय हो रही थी। तो क्या हो रहा था भाई कि यहां पर आपको दिखा रहे थे
कि ये दोनों नीचे गिरे हैं, लेकिन जब रिकवरी होना स्टार्ट हुई आफ्टर कोविड, कोविड के बाद सरकार ने पैकेज दिए वो सब दिया, तो उसके कारण क्या हुआ, रिकवरी होना तो स्टार्ट हुई, लेकिन रिकवरी हो किसकी रही है, इसकी, लेकिन ये क्या हो रहा है, अभी भी नीचे की तरफ जा रहा है, इसीलिए के सेक्टर बन गया। और के सेक्टर किसी भी क्या कहते हैं राफ्ट के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि आपको यहां पर लिखा हुआ है, आप हिंदी में देख सकते हैं, मैंने हिंदी में आपके लिए लिख दिया है, जो विभिन्न सेक्टर होते हैं वो अलग अलग दर पर ग्रोथ करते हैं। हाईली स्किल्ड सेक्टर में ग्रोथ जो होती है ऊपर होती है, लेकिन लोअर सेक्टर में क्या होती है, ग्रोथ नीचे हो जाती है। इसको आप देख सकते हो, इससे क्या होता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ती है, अधिक कॉर्पोरेट अधिकार। कॉर्पोरेट अधिकार का मतलब क्या सर, आईटी जो इंडस्ट्रीज है वो अधिकतर कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथ में ही है। कम आय वाले श्रमिकों के लिए क्या होती है, दीर्घकालिक बेरोजगारी हो जाती है, क्योंकि आपको मालूम है सेकेंडरी सेक्टर, टूरिज्म का सेक्टर, यहां पर कम आय वाले ही ज्यादातर वर्क करते हैं। होटल इंडस्ट्री तो उसमें मजदूर लेबर से लेकर ब्लू कॉलर जॉब वाले सब वर्क करते हैं, इसीलिए के रिकवरी की चर्चा हुई है। आई होप सो इसको आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जेड शेप्ड रिकवरी की। सारी रिकवरी देख लेंगे, एक बार अपने पास रख लेना, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। जेड शेप्ड रिकवरी क्या होती है, जरा इसको सामान्य से अगर आप देखेंगे तो टाइम लिखा है, जीडीपी लिखा है, जीडीपी ऐसे बढ़ रही है, आपको दिख रही होगी, ये ग्राफ पूरा दिख रहा है, ये इस तरीके से जीडीपी बढ़ रही थी, लेकिन कोरोना आ गया। कोरोना आने पर क्या हुआ, सारी इन्हें जो औद्योगिक गतिविधियां हैं सब कुछ रुक गई, तो इसके कारण क्या हुआ कि जो जीडीपी जिस प्रकार से इसको बढ़ना चाहिए था उसमें क्या हो गया, ये नीचे गिर गई तुरंत। जब नीचे गिर गई तो उसके बाद फिर क्या देखा गया, उसके बाद ये देखा गया कि सरकार ने स्टिमुलस पैकेज जारी किए, उसके कारण फिर से क्या हुआ, रिकवरी बहुत तेजी से होना स्टार्ट हो गई। रिकवरी क्या हुई, बहुत तेजी से होना स्टार्ट हो गई। यदि आपने देखा होगा इकोनॉमिक सर्वे मैंने आपको पढ़ाया था और मैंने इंडस्ट्री का आपको डेटा दिखाया था कि कोरोना के समय में किस तरीके से इंडस्ट्री का लेवल बहुत तेजी से गिरा था, लेकिन उसके जस्ट अगले साल 10% की दर से क्या हुआ था, रिकवरी करना चालू किया था इंडस्ट्रियल सेक्टर ने, और इस बार फिर से आपको 4% पर दिखाई दे रही है। मतलब उस समय तो उसने बड़ी तेजी से रिकवरी की और फिर क्या हो गया, फिर से वो क्या हो गया, अपने उसी लेवल पर आना स्टार्ट हो गया। अगर इंडस्ट्री की बात करूं तो लगभग 4% पर वो क्या कर रही थी, ग्रो कर रही थी, लेकिन कोरोना आया तो फिर वो माइनस में चली गई, लेकिन फिर उसके अगले साल क्या हुआ, 10% पर ग्रोथ हुई, फिर से क्या हो रहा है, इस बार फिर 4% पर आ गई। तो मतलब आपको दिख रहा है कि एक बार गिरी है, स्टिमुलस पैकेज दिया गया, फिर उसमें राइज करना स्टार्ट किया, तो इस प्रकार आपको ये जेड शेप्ड दिखाई पड़ रहा होगा। आई होप सो आप इसको समझ रहे होंगे और दिमाग में रखिए, पहले घटा फिर एकदम से बढ़ा, ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो अपनी साम्यावस्था में आ गया, मतलब बराबरी के लेवल पर आ गया। तो जेड रिकवरी भी जो होती है वो एक अच्छी रिकवरी के रूप में मानी जाती है। जेड आकार की रिकवरी सबसे आशावादी परिदृश्य होता है। इससे यह पता चलता है कि हमने रिकवरी की और आज क्या हुआ, फिर से हम प्री कोविड लेवल पर आ चुके हैं, जैसा इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में चर्चा की जा रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था भी जेड शेप पर वर्क कर रही है। तो सबसे आशावादी है, जिसमें अर्थव्यवस्था दुर्घटना के बाद फिनिक्स की तरह तेजी से ऊपर उठती है। फिनिक्स और कुछ नहीं है, फिनिक्स एक पक्षी है जो बहुत तेजी से ऊपर उड़ान भरता है, इसीलिए आपको यह बता रहा है कि किस प्रकार से यहां पर बड़ी तेजी से अर्थव्यवस्था नीचे गिरी थी, लेकिन क्या हुआ, फिनिक्स पक्षी की तरीके फिर उड़ी और उड़ान भर करके वो ऊपर लेवल पर आ गई थी। लेकिन डेटा के कंसर्ट, जब डेटा के विषय में हम बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में ऐसा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई नहीं है, ना भारत में 10% से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है, इस चीज को याद रखिए, क्योंकि बजट में मैंने आपको विस्तृत रूप में इसको बताया था, लेकिन यहां पर समझाने के लिए मैं अब उस विषय पर नहीं जा सकता हूं। आई होप सो इसको आप समझ गए होंगे। तो जेड शेप्ड रिकवरी क्या है, यहां पर लिखा हुआ है प्री कोरोना बेसलाइन। आई होप सो समझ गए होंगे। इसमें आर्थिक व्यवधान एक छोटी अवधि के लिए क्या होता है, रहता है, जिसमें लोगों की आय से अधिक खर्च करने की उनकी क्षमता प्रतिबंधित हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, यू शेप्ड रिकवरी। यू शेप्ड रिकवरी क्या है, ध्यान में रखिए, ये ग्राफ बना हुआ है जिसका जीडीपी का बेसलाइन क्या है, जीडीपी की बेसलाइन ये है, ये जो आप देख रहे हैं ये बेस लाइन है। मतलब इस प्रकार से जीडीपी अगर यहां पर वेरी कर रही है, तो फिर से कोरोना आया और कोरोना के सारी चीजें देखिए किसी पैंडेमिक लेवल को ही आधार मान करके समझी जाती है। अब एकदम से मंदी की स्थिति आई तो जो हमारी इकोनॉमी है वो देखिए इस प्रकार से पहले क्या हुआ, नीचे की ओर गिरी है, यहां पर आई है और आ करके क्या हुई है, थोड़ी थमी है, और इसके बाद ये क्या हो गई, थोड़ी सी फ्लैट हो गई है। फ्लैट का मतलब इकोनॉमिक
कोरोना आया और कोरोना आने के बाद एकदम से जीडीपी आपकी घटी और 2021 तक स्टिमुलस पैकेज सब कुछ दिए गए तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, एक संतुलन की स्थिति देखी गई और जैसे जैसे कोरोना का पीरियड हटा, वैक्सीनेशन हमने किया तो हमारी गतिविधियां क्या होने लगी, धीरे धीरे स्टार्ट होने लगी और आज फिर से हम क्या हो गए हैं, प्री कोविड लेवल पर आ चुके हैं। इस समय आप बहुत ज्यादा चर्चा सुन रहे होंगे, प्री कोविड लेवल के आधार पर हमारी इकोनॉमी आ चुकी है। मतलब क्या, जिस प्रकार हम यहां पर ग्रो कर रहे थे उसी प्रकार अब हम क्या है यहां पर भी क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो आशा करता हूं इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन यहां पर जो बेस लाइन है ना ये थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, मतलब पहले तो हमारी इकोनॉमी गिरी है उसके बाद क्या हुई है वो धीरे 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 रिकवरी कर रही है और फिर एकदम से क्या हुआ है आज वो वृद्धि कर रही है। तो ये यू शेप्ड की रिकवरी आपको दिखा रही है। तो यू शेप्ड क्या है, इसमें लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था गिरने के बाद धीरे धीरे सामान्य स्तर तक क्या करती है, सर बढ़ने का प्रयास करती है। आई होप सो इस चीज को आप समझ गए होंगे। इस मामले में कई नौकरियां चली जाती हैं, बचत पर आदमी निर्भर होता है, ठीक है। अब इस चीज को तो हमें समझना पड़ेगा, इसको आप पढ़ सकते हो, वो चीज मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन यदि यदि ज्यादा प्रक्रिया लंबी खिंचेगी तो ये और ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये ऐसे जाएगी। फिर बस यही चीज पूछ रहा है, जितनी जल्दी सामान्य अवस्था आ जाएगी उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, यू शेप्ड तुरंत ऊपर की तरफ चला जाएगा। नहीं तो बहुत जल्दी अगर सरकार ने इसके ऊपर कदम उठाए तो फिर क्या हो जाएगा, ये यू जाकर के ऐसे हो जाएगी, मतलब फिर वी शेप्ड पर ये आ जाएगी। और अगर और ज्यादा समय लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, फ्लैट होती चली जाएगी, ये यू शेप्ड बनता चला जाएगा। आई होप सो आप समझ गए होंगे। सामान्य अवस्था जितनी जल्दी आएगी उसी आधार पर हमको समझ में आता है। उसी प्रकार यहां पर आपके सामने डब्ल्यू शेप्ड रखी हुई है। डब्ल्यू शेप्ड क्या है, देखिए जीडीपी यही है हमारी, ये पूरी लाइन यहां से यहां तक जा रही है। लिखा हुआ है प्री कोरोना बेस लाइन, अगर कोरोना नहीं आता तो हमारी जीडीपी ऐसे बढ़ती, लेकिन कोरोना आ गया, यहां पर कोरोना आया है 2019-20 वाला, उससे क्या हुआ एकदम से धड़ाम से गिरी है नीचे आपकी क्या जीडीपी। जब जीडीपी धड़ाम से नीचे गिरी है, जो पहली लहर आई थी, कौन सी, फर्स्ट लहर आई थी, एकदम से धड़ाम से नीचे गिरी। जैसे ही धड़ाम से नीचे आई तो सरकार ने स्टिमुलस पैकेज जारी किए, फिर से क्या हुआ धीरे से बढ़ना स्टार्ट हुई, धीरे से बढ़ी ही थी कि सेकेंड लहर फिर से आ गई, सेकेंड लहर फिर से आई। तो ये अभी अपने बेस लाइन तक पहुंची भी नहीं थी कि फिर से क्या हुई, धड़ाम से नीचे गिरी। और ये ऐसी कंडीशन आपने सेकेंड लहर में देखी भी थी, जब दोबारा लॉकडाउन लगाने की पूरी तरीके से नौबत आ गई थी, तो उस समय क्या हुआ फिर से एकदम से धड़ाम से नीचे गिरी। और फिर अब क्या हुआ, अब पूरी तरीके से वैक्सीनेशन हुआ, अब हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं, ये सामान्य अवस्था पर आ गए हैं। इसीलिए आप अखबारों में देख रहे होंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था प्री कोविड लेवल पर आ चुकी है। तो क्यों प्री कोविड लेवल पर आ चुकी है आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन एक देश के लिए डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी जो होती है बहुत ही ज्यादा घातक होती है, क्योंकि एक शॉक झेलने के बाद दूसरा शॉक झेलना अपने आप में बहुत बड़ी मुसीबत होती है, जिसको आपने भी महसूस किया होगा कोविड फर्स्ट और कोविड सेकेंड लहर के दौरान। तो आशा करता हूं इस चीज को समझ गए होंगे कि किसी देश के लिए डब्ल्यू प्रकार की रिकवरी बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। क्यों, क्योंकि यहां पर तो आपकी अर्थव्यवस्था गिरी है, आपने राइज करना चालू किया है, लेकिन अभी आप सामान्य अवस्था तक पहुंचे भी नहीं हो, क्या हुई फिर से दूसरी लहर आई और फिर से धड़ाम हो गए। या कोरोना की दूसरी लहर के रूप में भी देख सकते हो, या तो इकोनॉमिक सर्वे की अगर संदर्भ में बात करेंगे तो कोरोना के कारण तो हुआ ही हुआ, कोरोना से अभी निजात मिली ही थी थोड़ा बहुत, यूक्रेन और रशिया का भी संघर्ष हो गया, फिर से नीचे की तरफ जीडीपी जाने लगी, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा देशों के खर्चे स्टार्ट हो गए। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे खराब रिकवरी कौन सी मानी जाएगी। सबसे खराब रिकवरी, वन ऑफ द खराब कह सकते हैं, खराब रिकवरी में कौन सा आएगा, डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी आपको ज्यादा खराब लगेगी, क्योंकि यहां पर आप सामान्य अवस्था पर पहुंचे भी नहीं हो, धड़ाम धड़ाम नीचे दो बार गिर चुके हो, ठीक है, वेरी गुड। तो यहां डब्ल्यू आकार की रिकवरी एक खतरनाक प्राणी है। देखो हिंदी में कुछ हो जाता है प्रॉब्लम, तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, खतरनाक है ये अपने आप में। इसमें वृद्धि गिरती और बढ़ती है, लेकिन ठीक होने से पहले ही फिर से गिर जाती है। इस प्रकार डब्ल्यू प्रकार का चार्ट बनता है और आपको दिखाता क्या है, डबल डिप प्रकार की व्यवहार को आपको शो करता है। तो डब्ल्यू शेप रिकवरी हो गई, इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। यहां पर एल शेप रिकवरी आपको दिख रही है। एल शेप रिकवरी क्या होती है, एल शेप रिकवरी देखिए, कोरोना फिर से हम देख रहे हैं, यह सामान्य लेवल था, लेकिन कोरोना यहां पर आया
और धड़ाम से नीचे गिर गई आपकी जीडीपी। समझ रहे, मंदी की स्थिति आ गई। अब जैसे श्रीलंका है, जैसे पाकिस्तान जैसे देश है, बहुत सारे गरीब देश है, उनके साथ ऐसी प्रक्रिया ज्यादा हो रही। क्यों सर? क्योंकि वो बढ़ नहीं पाए। टूरिज्म के ऊपर रिलाई करता है रशिया, आपका श्रीलंका, लेकिन वो भी पूरी तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि टूरिज्म कोविड के कारण भी क्या हो रहा है, कोरोना के कारण रुक गया। तो इसी कारण विशेष रूप से इसमें आप देखेंगे कि यहां पर रिकवरी बढ़ ही नहीं पा रही है, ये बल्कि फ्लैट होती चली गई है। और एक देश के लिए एल शेप रिकवरी बहुत ज्यादा नकारात्मक होती है, क्योंकि एल शेप जो है इसका मतलब दिखा रहा है कि आप यहाँ इकोनॉमिक गतिविधियां हो नहीं रही हैं और वृद्धि किस प्रकार से होगी, मतलब जो नॉर्मल लेवल था उससे भी बिल्कुल नीचे हो गया। इसीलिए आप ये देख रहे होंगे दैट इज एल शेप रिकवरी। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि एल शेप रिकवरी में एक प्रकार की क्या हो गई है, बिल्कुल स्टैग्नेट हो गई है, वृद्धि हो ही नहीं पा रही है। तो यहां पर स्टिमुलस पैकेज से लेके IMF और वर्ल्ड बैंक तक को यहां पर सहयोग देना पड़ जाएगा। तो आशा करता हूं इस चीज को भी आप समझ गए होंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं वर्षों बीत जाने के बाद भी अर्थव्यवस्था जो है जीडीपी के स्तर को पुनः प्राप्त करने में क्या होती है, विफल हो जाती है। ऐसी कंडीशन आप बहुत सारे स्टेट देशों के साथ देखेंगे, खासकर श्रीलंका के साथ भी ऐसी चीजें देख लेंगे कि वहां पर ऐसी रिकवरी हो ही नहीं पा रही है। नेक्स्ट, ये लिखा हुआ वी शेप्ड रिकवरी, मतलब सरकार जितनी जल्दी स्टिमुलस पैकेज को देगी, जितनी जल्दी क्या कहते हैं इनिशिएटिव उठा लेगी, तो वो फ्लैट कर्व जो आपको दिखाया गया था, जो फ्लैट हो रहा था, यू शेप्ड बन रहा था, उसमें ये दिखा रहा है कि सरकार ने कितनी जल्दी एक्टिविटी को अपनाया है। तो वी शेप्ड रिकवरी किसी भी देश के लिए एक अच्छी रिकवरी मानी जाती है। याद रखिएगा जिस प्रकार हमारी बॉडी होती है, इसमें भी क्या होता है, कभी हम स्वस्थ होते हैं तो कभी हम बीमार हो जाते हैं, फिर से हम स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे ही इकोनॉमी भी चलती है, कभी वो ग्रोथ करती है और फिर से उसमें मंदी आएगी, फिर वो ग्रोथ करेगी, ऐसे पूरा सिस्टम चलता रहता है। कोई इकॉनमी ऐसी नहीं हो सकती है जो केवल ग्रोथ ही ग्रोथ करती रहे, और कोई इकॉनमी ऐसी नहीं हो सकती जो केवल और केवल डाउन पे डाउन चलती रहे। इसीलिए वी शेप रिकवरी मतलब तुरंत के तुरंत सरकार ने बहुत अच्छे से इस पैकेज को निभाया है, बहुत अच्छे से इसके ऊपर कंसर्न किया है। इसीलिए गिरी जरूर है रिकवरी, गिरी जरूर है जीडीपी, लेकिन तुरंत के तुरंत क्या हो गई है, उठ गई है। यह दिखाता है कि सरकार कितनी ज्यादा एक्टिव है और अर्थव्यवस्था को लेके कितना ज्यादा संचिता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा वी शेप्ड रिकवरी भी किसी देश के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। यहां पर दिख रहा होगा जैसे आपको कोरोना दिख रहा होगा, पहले डब्ल्यू शेप्ड बन रहा था, इसके बाद क्या हुआ, यहां पर वैक्सीनेशन पूरी तरीके से हुआ है, और जैसे ही वैक्सीनेशन हुआ है चाइना ने अपने क्षेत्र को नहीं खोला, लेकिन भारत ने पूरी तरीके से ओपन किया है। इसीलिए देखिए एकदम से क्या दिखा रहा है, ग्राफ आपको शूट करता हुआ दिखाई दे रहा है, दैट इज वी शेप्ड रिकवरी। ठीक है, वेरी गुड। तो यहां पर आप पढ़ सकते हो, यहां पर आर्थिक सर्वेक्षण 2021 ने भी हमारे संदर्भ में कहा था कि महामारी के बाद क्या हो रही है, वी आकार की रिकवरी की भविष्यवाणी की थी, और भारत में इस समय वी आकार की रिकवरी हो रही है। नेक्स्ट, दैट इज जे शेप्ड रिकवरी। जे शेप्ड रिकवरी क्या होती है, यहां पर भी आप देख रहे होंगे कि क्या हुआ, सबसे पहले गिरना स्टार्ट हुई है। समझ रहे, यहां पर कोरोना आया, एकदम से गिरना स्टार्ट की, लेकिन फिर वही चीज स्टिमुलस पैकेज होने से। लेकिन इसकी क्या खासियत है, इसकी खासियत यह है कि ये ओरिजिनल लेवल से भी क्या हो रही है, तुरंत ऊपर बढ़ती चली जा रही है। यहां पर आप देख रहे होंगे ये तुरंत ऊपर बढ़ती चली जा रही है, मतलब ओरिजिनल लेवल को भी बहुत अच्छे से क्रॉस कर गई, और क्रॉस करने के बाद अभी भी देखा जा रहा है कि जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से हो रही है। मतलब यहां पर वो नहीं आई है ओरिजिनल लेवल पर, मतलब और ऊपर की तरफ जा रही है। ये साइन दिखा रहा है कि अर्थव्यवस्था के ऊपर लोगों का भरोसा बहुत तेजी से हो रहा है। तो आशा करता हूं इस चीज को आप समझ गए होंगे, जे शेप्ड रिकवरी को, ये आपके सामने बनी हुई है। वी शेप्ड रिकवरी मतलब सीधी सी बात है, इकॉनमी रिकवर कर रही है यहां पर बड़ी और स्पीडली रिकवर करेगी, वी शेप रिकवरी। यू में क्या है, यहां पर थोड़ी सी स्थिरता आएगी, प्रॉब्लम होगी, लोगों को बचत पर निर्भर रहना पड़ेगा, बेरोजगारी लगातार बनी रहेगी, तो यू शेप दिखा रहा है। लेकिन यहां पर बेरोजगारी रहेगी, लेकिन इसके कंपेयर में क्या होगा, कम हो जाएगी। उसी प्रकार आप यहां पर जेड शेप्ड को भी देख रहे होंगे, पहले गिरी है लेकिन बहुत तेजी से बढ़ी है, जिस चीज को मैंने आपको बता दिया। उसी प्रकार डब्ल्यू शेप भी आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये किसी देश के लिए बहुत हानिकारक होगी, क्योंकि जीडीपी क्या है, बहुत ज्यादा सफर करेगी। तो आशा करता हूं कि सारी रिकवरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बड़े प्यार से इसको समझिए, क्योंकि यूपीएससी इस तरीके से आपको मिसमैच वाले क्वेश्चन देता है। आशा करता हूं इस चीज को आपको समझ में आ गया होगा, और कैसा ये इनिशिएटिव लगा है प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके सहयोग के बिना एग्जामपुर अधूरा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय एग्जामपुर।